हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। जीडी बर्ड्स चैनल में आपका स्वागत करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली आज यानी लगभग आपको 10 से 12 दिन के बाद, यानी इनका उम्र अभी 12 दिन चल रहा है, तो 12 दिन के बाद आज फाइनली आप लोगों को बताएंगे, मतलब इनको अभी फिलहाल यानी फर्स्ट बार इनको हैंड फीडिंग में ले रहा हूँ, क्योंकि अब चिक्स जो है ये थोड़े से बड़े भी हो चुके हैं और इनके फेदर आप देख सकते हैं कि मतलब ये फेदर जो है न्यू मतलब निकल रहे हैं। बस एक टाइम जो है ना इनको अपने हाथ से मतलब हैंड फीडिंग कराऊंगा, बाकी दो तीन टाइम जो है उनके पेरेंट्स है उन लोग फीड करा देंगे, क्योंकि अभी देख सकते हैं आप लोग मतलब ये अभी उन्होंने अभी फीड कराया हुआ है। और ये देख सकते हैं पोटा में, देखिए ये चना देख रहे हैं पूरा गोटा गोटा पूरा एकदम खिला चुका है। सो इनको अभी जस्ट जो है ना एक दो दिन के लिए मतलब ले लेंगे, एक दो टाइम इनको हैंड फीडिंग पे रखेंगे, तो उससे फायदा क्या होगा, मतलब ये ट्रेनिंग में बहुत जल्दी यानी कामयाब हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये देख रही है लाडो साहब थोड़ा सा मतलब तंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा पप्पी वगैरह चाहिए होता है। चल ठीक है, अब इनको एक दो दाने दे देता हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी जो है इनको फीड कराना है, तो फीड में क्या ले रहा हूँ, फर्स्ट बार है ये चने का दाल है, ये सॉरी चने का दाल नहीं, ये मतलब काले चने है। सो इनको अभी फीड कराऊंगा, और इनका फीड कराने का तरीका देखिए थोड़ा सा जबरदस्ती करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट बार है, सेकंड बार में इन्होंने फीड मांगना भी स्टार्ट कर देगा। सो ये मैंने इनको ये चने का दाल चने ले चुका हूँ, और इनको इस तरीके से ये करना है, और फिर एक दाना डाल देना है। ये देख सकते हैं इनका पूरा अंदर चल गया, फिर अब दोबारा ले और फिर इसी तरीके से दोबारा ये दूसरा दाना भी डाल ले। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मतलब जब भी इनको फीडिंग कराना हो, हैंड फीडिंग जब इसको कराना हो, तो आप सिरिंज से पहले यानी 20 ml का एक सिरिंज ले ले, और उस सिरिंज से पूरा फुल पानी भर करके इनको पुश करके पहले इनको पानी पिला दे, उसके बाद फिर ये चने जो है उनको एक एक करके दाना देना है। और साथ में एक चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा, साथ ही साथ इनको विसल भी मारना है। जैसे मैं अभी विसल नहीं मार रहा हूँ क्योंकि अभी फर्स्ट बार है, आप चाहो तो फर्स्ट बार से भी मार सकते हो, लेकिन इस तरीके से ले लेना है, और साथ में ये विसलिंग, ये विसल मार दिया हूँ और फिर दो चार दाने दे दिया हूँ। तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब भी हम मतलब विसलिंग करोगे तो यानी जल्दी से ये आ जाएंगे, ताकि इनको पता चले कि मेरे यानी फीडिंग का टाइम हो चुका है, मुझे फीड मिलेगा। बस इसी तरीके से मतलब इनका पूरा डिटेल्स वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इनका मतलब पूरा डिटेल्स वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेगा। जैसे मतलब आप लोगों से मैंने वादा किया हूँ कि यानी अगर जिंदगी इनकी और हमारी रही तो इनको यानी 45 दिन के अंदर बाइक के साथ रेस कराऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज इनका फाइनली अभी इनका 12 दिन गुजर चुका है, क्योंकि आज इनका 12 दिन है, उसके बाद अब बाकी जो दिन बाकी रहा वो 45 दिन के अंदर इनको यानी बाइक के साथ रेस कराऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नए अच्छे वीडियो अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, आदाब।